एंड द सेकेंड वन इज सीलिंग फंक्शन आइएगा इनके एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं इस पर्टिकुलर एक्सेस शीट के ऊपर मैं आपसे सीलिंग वर्सेस एम राउंड फंक्शन की बात करूंगा और इसके लिए हमारे को एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया गया है इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं दोनों फंक्शंस के अंदर नंबर तो कॉमन लूंगा और उसके बाद सीलिंग फंक्शन और एमराउंड फंक्शन को आपके सामने यहाँ पर करके दिखाऊंगा इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन यहां पर देना चाहता हूं सीलिंग फंक्शन रिटर्न द नंबर राउंडेड अप अवे फ्रॉम जीरो टू द दियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो भी आप मल्टीपल चाहेंगे ये उस पर्टिकुलर मल्टीपल को राउंड अप करके आपको आंसर देगा इट मींस वी आर गोइंग अवे फ्रॉम जीरो जीरो से दूर चलेंगे हम सीलिंग फंक्शन इज सिमिलर टू एम राउंड फंक्शन विद द डिफरेंस दैट सीलिंग ऑलवेज राउंड अप द नंबर वाइल एम राउंड फंक्शन फाइंड द नियरस्ट मल्टीपल सीलिंग के केस के अंदर के आप जो नियरेस्ट मल्टीपल देंगे ये उसके अंदर पर्टिकुलर डेटा को अप कर देगा लेकिन एमराउंड फंक्शन जो भी हम नियरेस्ट मल्टीपल इसका होगा ये अपने आप ढूंढ के आपको नियरेस्ट मल्टीपल तक लेके जाएगा और ये नियरेस्ट मल्टीपल अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है लेकिन सीलिंग के केस के, के अंदर नियरेस्ट मल्टीपल हमेशा अप की तरफ ही होगा मैं यहां पर अब कुछ एग्जांपल्स को टेक अप करता सिग्निफिकेंस दे रहा हूं वन की इक्वल्स टू सीलिंग इसके अंदर हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट हैं नंबर एंड सिग्निफिकेंस नंबर के केस के अंदर मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया इस पर्टिकुलर सेल का बी सेवन सिग्निफिकेंस के अंदर मैं दे रहा हूँ रेफरेंस वन का मुझे वन के मल्टीपल के अंदर सीलिंग चाहिए पेरेंथिस क्लोज आई प्रेस सेंट्रा जैसे ही मैंने प्रेस किया आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास आंसर एट आ गया सीलिंग फंक्शन ने वन के नियरस्ट मल्टीपल के अंदर इसको अप कर दिया वन के नियरेस्ट मल्टीपल के अंदर तो सेवन का नियरेस्ट मल्टीपल एट है और इसने उसको अप कर दिया वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हेयर और अगर मैं इसी फंक्शन को एम राउंड के अंदर यूज करूं इक्वल्स टू एम राउंड नंबर के केस के अंदर मैंने सेवन पॉइंट वन फाइव का दे दिया दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर बी सेवन सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज मल्टीपल तो मल्टीपल के अंदर मैंने वन का नियरेस्ट मल्टीपल दे दिया थिस क्लोज अब स्टूडेंट इसको देखेगा यहां पर ये एम राउंड के लिए सेवन पॉइंट वन फाइव को जब ये राउंड ऑफ करेगा तो इसको नियरेस्ट मल्टीपल सेवन मिलेगा मैं यहां पर अब सिग्निफिकेंस लेवल चेंज कर दूंगा सीलिंग फंक्शन नंबर के केस के अंदर हमने बी एट दे दिया कॉमा सिग्निफिकेंस के केस के अंदर अब मैं यहां पर जीरो पॉइंट वन दे रहा हूं बी एट के अंदर हमें फिगर दी गई है सेवन पॉइंट वन सिक्स जीरो पॉइंट वन के मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर हमें कन्वर्ट करना है तो ये मुझे आंसर सेवन पॉइंट टू देगा वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हेयर लेकिन अगर मैं इसी चीज को एमराउंड फंक्शन के थ्रू करूं इक्वल्स टू एम राउंड फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज नंबर सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज मल्टीपल तो मुझे यहां पर मल्टीपल चाहिए जीरो पॉइंट वन का वन सिक्स से नजदीक टू जीरो है वन जीरो दूर हो जाएगा तो ये मुझे आंसर सेवन पॉइंट टू देगा अब यहां पर मैं एक और स्टेप आगे बढ़ता हूं सेवन पॉइंट फोर नाइन नाइन इस जगह के ऊपर मुझे सीलिंग फंक्शन को टेकअप करना है सीलिंग नंबर के केस के अंदर मेरे पास सेल नंबर बी नाइन का रेफरेंस है कॉमा सिग्निफिकेंस के अंदर मैं यहाँ पर वन के सिग्निफिकेंस दे देता हूं मुझे वन की सिग्निफिकेंस के अंदर अप या डाउन करके आंसर देना सीलिंग तो हमेशा अप ही करेगा तो यहाँ पर सेवन पॉइंट फोर नाइन नाइन को अगर इसको वन के मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहां पर हमारे पास आंसर एट हो जाना चाहिए दिस इज अ फंक्शन विच वी यूज इट हेयर अब मैं इसी चीज को एम राउंड की तरफ करूंगा तो एम राउंड यह देखता है कि वन के मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर इसको लेके जाना है तो मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस सेवन पॉइंट फोर नाइन नाइन के केस के अंदर जो नजदीक होगा दैट विल बी सेवन इक्वल्स टू एम राउंड बी नाइन इज द नंबर और मल्टीपल के केस के अंदर मैंने वन दे दिया पेरेंथ हिस इज क्लोज आई गॉट द आंसर सेवन द नेक्स्ट पॉइंट इज सेवन पॉइंट फाइव वन सीलिंग सेल इज बी टेन कॉमन और सिग्निफिकेंस लेवल को मैं जीरो पॉइंट वन की तरफ लेके जा रहा हूं जीरो पॉइंट वन के नियरस्ट मल्टीपल के अंदर सीलिंग फंक्शन इसको अप कर देगा तो सेवन पॉइंट फाइव वन केस के अंदर मेरे पास ये आंसर 7.6 हो जाएगा आई प्रेसेंट लेकिन अगर मैं इसी पर्टिकुलर चीज को एम राउंड के अंदर करता हूं एम राउंड के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर तो मैंने बी टेन का नंबर दे दिया कॉमा यहां पर भी मैं सिग्निफिकेंस लेवल जीरो पॉइंट वन का टेकअप कर रहा हूं पेरेंथ क्लोज एम राउंड फंक्शन ये देखता है कि यहां पर वो जो पॉइंट है वो 7.5 हो जाएगा 7.6 तो बहुत दूर है सो so, जब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे आंसर 7.5 मिलेगा। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन स्टूडेंट अब मैं इस बात की उम्मीद करूंगा इन डिफरेंट फंक्शन से जो हमने इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर किए हैं आप सीलिंग और एम राउंड फंक्शन को माइन्यूटली अंडरस्टैंड कर सकेंगे बहुत बारीकी के साथ आप इन्हें समझ सकेंगे थैंक यू वेरी मच